तुम्हारी नफरत का भी अंदाजा है मुझे, लेकिन देखो अदालत ये जज्बाती पना नहीं बल्कि हकीकत और सबूत देखती है। और तुम्हारे मामू इतने चलाक हैं, बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट नहीं जा रहे, और उनका वकील डेट पर डेट देकर ना केस को लंबा करता जा रहा है। पापा से बात की थी, पापा तो खुद बहुत परेशान है। लेट्स सी क्या होता है। बात सुनो, एक मशवरा देने आई थी तुम्हें। वो जो केस किया ना तुम लोगों ने, वो जीतने की उम्मीद मत रखना। भले ही तुमने शहर का सबसे मशहूर लॉयर ही क्यों ना हायर किया, कोई फायदा नहीं होगा। बबली तुम्हें पता है, इसकी अम्मा मेरी मॉम के पास आकर कल इतना रोई, हाथ जोड़ के माफिया मांग रही थी कि गलती हो गई, लेकिन मेरी मॉम ने भी माफ नहीं किया। उन्होंने भी साफ कह दिया, गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, विच इज फेयर इनफ। मेरी अम्मी तुम्हारे घर अपना हक मांगने के लिए आई थी। खुदा का खौफ करो, अपनी सगी बहन का हक खाकर जहन्नुम की आग से अपना पेट भर रहे तुम्हारे पेरेंट्स। शट अप। औकात मत भूलो अपनी। डू यू नो बबली, ये मेरे भाई से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मेरे भाई को इसके ट्रैप से छुड़ाकर अमेरिका भेज दिया। तभी तो ये उल्टी पुल्टी कहानियां बनाकर यहाँ पे कीचड़ उछालना चाह रही है। तुम और तुम्हारी औकात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, सो बी केयरफुल। आइंदा अगर यूनिवर्सिटी में उरूसा के खिलाफ तुमने किसी को कुछ भी कहा ना, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। कम ऑन यार, तुम्हें इन स्टूपिड्स के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से, चलो भेज लूंगी तुम्हें मैं। गो, लेट्स गो। गो सोया, प्लीज। सोया, उन लड़कियों से तुम्हें बात करने की क्या जरूरत थी, तुम जानती तो हो उन्हें। तौबा है, इन्हें देखकर तो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल ना हुआ, किसी दूसरे की इज्जत का क्या ख्याल होगा। और उरूसा, तुम्हारी कजन तो तुम्हारी कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है। हाँ तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी वाले इसे भी जानते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। करने दो उन्हें बकवास। चलो यार, हम मूड ऑफ कर दिया, कैंटीन चलते।